आसीन मास शुक्ल पक्ष की पांपा कुसा एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन अब कृपया करके यह बताइए कि आसीन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आसीन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह है पंपा कुसा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पम्हानाभ संज्ञ मुझे वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकालता कठोर तपस्या करके जिस फलों का फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। जो सांड धनुष धारण करने वाला सर्वव्यापक भगवान जगन्नाथन जी के शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यात्रा नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य से प्रसंगों से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य विष्णु भक्त होकर विष्णु भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो उसे घोर रोवर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्री कोष इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली और सुंदर स्त्री धन एवं मित्र देने वाली है। राजन एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र वह मनुष्य मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्गार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्मुखी गरुण की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आसीन के शुक्ल पक्ष में पापा कुंसा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ग सुवर्ण तिल भूमि गौ अन्न जल जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता है। नृपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि किया करे करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम स्नान जप ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु धनाढ्य कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्म और पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गतियों में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापा कुंसा का महात्म्य मैंने वर्णन किया, अब और क्या सुनना चाहते हो।